नमस्कार साथियों। साथियों, क्या आप भी पेची की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हो गए? आपको बहुत पुरानी पेचिस की समस्या हो गई है, जिसके वजह से आपकी दिनचर्या खराब हो जाती है। आप कहीं आते हैं तो, जाते हैं तो, कहीं भी रहते हैं तो आपके दिमाग में इस टूल को लेकर के एक डर बना रहता है। तो साथियों, आज मैं आपको इस समस्या का एक बहुत ही अस्थाई समाधान बताऊंगा। जी हां साथियों, होम्योपैथी की ट्रॉम्बिडियम मेडिसिन जो बहुत ही रेयर है, ये कैसे आपकी पेचिस की समस्या का के लिए वरदान होगी मैं ये बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका डोज भी बताऊंगा, इसलिए आप जो है पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही छोटी है, क्योंकि मेडिसिन भी सिर्फ और सिर्फ आपके इसी समस्या के लिए बनी ही हुई है, तो आपको इस समस्या के अस्थाई समाधान के लिए भी इस दवा को अपने घर में रख लेना है। क्योंकि साथियों, पेचिस की समस्या, दस्त की समस्या से हर व्यक्ति परेशान रहता है। बहुत लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि इसकी समस्या की वजह से बहुत उनका क्रॉनिक हो जाता है, बहुत दिनों से परेशान है, दवाएं खा खा करके परेशान हो गए हैं, तो उनके लिए तो ये सचमुच में रामबाण है। अब साथियों देखिए ना, कि अगर आपको भी जैसे ही सुबह उठते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस मेडिसिन का की नोट सिम्टम है, यानी इस मेडिसिन को इस पॉइंट पे बिल्कुल सटीक काम करेगी। जैसे कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो बस आपको और कुछ दिखता नहीं है, इतना तेज आपको स्टूल लगता है कि बिल्कुल लगता है कि आप सीधे बाथरूम में ही भगते हो। यानी कि अर्ली मॉर्निंग स्टूल होता है, और स्टूल का नेचर कैसा होता, बहुत पतला, बिल्कुल पानी जैसा, कभी कभी तो उसमें जो है कत्थई कलर का स्टूल आता है, और उसमें मरोड़ होता है, दर्द होता है, और कभी कभी तो ब्लड भी आने लगता है। तो अगर आपको सुबह स्टूल लगता है, उठते ही स्टूल लगता है, बहुत पानी जैसा स्टूल है, मरोड़ के साथ होता है, आप ट्रॉम्बिडियम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अगर खाने के बाद स्टूल जरूर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप खाना खा रहे हैं आप स्टूल के लिए भग रहे हैं, और आपको ये समस्या बहुत परेशान कर दे। अब आप जरा सपोज करिए कि कहीं भी किसी रिश्तेदारी में गए हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपने कुछ भी खाया, आपको स्टूल के लिए जाना है। साथियों, कितना जो है ये आपके लिए दिनचर्या में डिस्टर्बेंस वाला पॉइंट है। तो अगर इस तरह की आपकी समस्या है तो ट्रॉम्बिडियम आपके लिए बहुत ही सटीक दवा है। इसके साथ ही साथ जब आपको स्टूल होता है तो स्टूल के बाद और या स्टूल के पहले आपके पेट में बहुत मरोड़ होता है, मरोड़ बहुत ज्यादा होने लगता है, और आप जब स्टूल करने जाते हैं तो स्टूल के दौरान क्या होता है कि आपके बाएं साइड में, यानी लेफ्ट हाइपोकांड्रियम में आपको पेन होता है, और वो पेन आपके नीचे तक, पैरों तक अगर आ रहा है तो ये दवा साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छी है। साथियों, इस दवा का प्रयोग वैसे केस में भी बहुत कारगर है, जब आपको स्टूल के बाद एनस में बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, यानी आप स्टूल करके आए और आपके एनस में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, और जलन कुछ देर तक रह रही है, तो आप इस दवा को प्रयोग करिएगा, आपकी जलन सही हो जाएगी और स्टूल तो सही होएगा ही। साथियों, मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि अगर आप पुरानी से पुरानी पेचिस की समस्या से परेशान हो और आपके स्टूल की ये टेंडेंसी हो और आप दवा करा करा करके परेशान हो गए हो, तो आप ट्रॉम्बिडियम को घर में रख लीजिएगा। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग के लिए मैं आपको बता दूं साथियों कि ट्रॉम्बिडियम को लोअर पोटेंसी में आप करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे इसका मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है, 30 पावर बहुत ही कन्वीनियंस है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्टूल से परेशानी है, आपकी दवाएं कहीं कर रहे हैं नहीं काम कर रही है, तो ट्रॉम्बिडियम 30, देखिए स्क्रीन पर आपको मेडिसिन का चित्र भी दिख रहा है, आप ये दवा जो है किसी भी अच्छे कंपनी का ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा महंगी दवा भी नहीं है, आप इस दवा को ले लीजिएगा और आप इसका प्रयोग करिएगा। प्रयोग कैसे करेंगे, मदर टिंचर 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम एक कप पानी में, नॉर्मल डोज हो गया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपको स्टूल से परेशानी है, बार बार स्टूल जा रहा है, जब भी कुछ खा रहे हैं आपको स्टूल जाना ही जाना पड़ रहा है, आपके पेट में मरोड़ हो रहा है, यानी इस तरह की समस्याएं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो ऐसे केस में आप इसको रिपीटेड वे में भी ले सकते हैं, दो दो घंटे पर भी ले सकते हैं।
अगर आपकी समस्या बहुत पुरानी है, आपके इंटेस्टाइन में इसके वजह से जो इन्फ्लेमेशन भी हो गया है और आपको ये टेंडेंसी बार बार बनती है, तो 30 पावर आप कुछ दिन तक ले लीजिए, 2 महीने 3 महीना ले लीजिए। आपकी ये समस्या यानी पुरानी पेचिस, क्रॉनिक डिसेंट्री या इस तरह की समस्याएं हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाए। साथियों, ऐसे ही जो होम्योपैथी की दवाएं हैं, सटीक तरीके से आपने यूज कर लिया, सही जगह पे पड़ गई और आपने सही टाइम से ले लिया, तो बीमारी बिल्कुल सही हो जाती है। और होम्योपैथी ही है साथियों कि किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखती है। हमें उम्मीद है कि आज आपको पेचिस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा मिल गई। आप इसे घर पे रखिए, प्रयोग करिए। अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप कॉल करके मुझसे ही बात करते हैं कर सकते हैं, या अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके भी इसके बारे में राय ले सकते हैं। किसी भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कल्याणम सेवा के किसी भी ब्रांच में मिल सकते हैं और आपकी सेवा की जाएगी। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी पहली बार आए हैं तो और अभी तक आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए, आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां नित्य मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।